यूपी के बरेली में छात्र नानी के घर आया हुआ था। गांव के पास में खेत पर बुधवार को दोपहर 11 बजे बच्चों को बुलाने गया था। वापस आते समय बच्चे तालाब के पास खड़े हो गए। तालाब मालिक ने छात्र को जमीन पर पटकने के बाद छात्र को लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। घायल को परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। थाना विशारतगंज के गांव बहटा में अपने मायके में आई हुई राजकुमारी ने बताया कि उसका बेटा क्रिस कक्षा 9 का छात्र है। कल दोपहर में बेटा क्रिस खेत पर बच्चों को बुलाने के लिए गया हुआ था। बच्चों को वापस बुलाकर ला रहा था, तभी तालाब के पास खड़ा हो गया। तालाब मालिक को शक हुआ ये बच्चे मछली पकड़ रहे हैं। इस बात को लेकर तालाब मालिक नसीम अहमद पुत्र राशिद अहमद ने क्रिस की जमकर पिटाई कर दी। अब मुझे पता नहीं, मैं गई तो ये फैल ले आओ, इसे मार रहे वो। मैं उसे कहने हुई तो वो मुझे भी गलत बोलने लगा। मेरे पास कुछ ऐसा था ना, छोटा बच्चा था मेरे पास, तो मैंने उसे उतार के इसे देखने लगी। वो भाग गया इतने में। कौन है जो मारने वाला? तालाब का जो है। तालाब कहाँ पर रखा? नहीं, कहाँ तालाब? भेटा बुजुर्ग, भेटा बुजुर्ग। कौन सा तालाब था? विशारतगंज। तालाब उसका है वो? हाँ, वो सरकार में मतलब रखा था मछलियों को। उदाहरण क्या रहा उसका? ये तो कुछ पता नहीं, बच्चों के साथ में ये गया ना बच्चों को लेने, तो उसने मतलब ये सोचा कि ये मछली मार रहे हैं, तो वो उन्होंने मारा इसे। शक के आधार पर? हाँ, शक के आधार से। ये छोटे छोटे बच्चों को लेने गए। डंडा था उसके पास में, मगर उसने डंडे छोड़ पटक के मारा इसे। हाँ, ये कूला उतर गया है, पता नहीं फ्रैक्चर है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।